सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीविता और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है। इस वचन के दौरान प्रेरित पौलुस हमें समझा रहा है, कह रहा है हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर ने तुम पर दया प्रकट किया है, कहता है उस दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कहता है वह दया तुम्हें याद दिलाता हूं और याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर कैसी दया की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए और सबके लिए, आपके लिए उसने ऐसी दया प्रकट की है कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। तो कहता है कि उसके दया को स्मरण तुझे दिलाता हूं और दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे शरीर के जिस बलिदान से प्रसन्न होता है और जो बलिदान उसको भाता है, कहता है वो बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर की वचन कहती है कि भाई जो कोई मनुष्य संसार से मित्रता करेगा परमेश्वर का बैरी होगा, और जो परमेश्वर से मित्रता करेगा संसार का बैरी होगा। तो परमेश्वर की वचन यही कहती है कि संसार की अभिलाषाओं से भाग। कहता है सांसारिक जीवन से तू भाग, आत्मिक जीवन जी। ये संसार की जितनी अभिलाषाएं हैं उन सारी अभिलाषाओं का बलिदान चढ़ा दो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। तो इसीलिए वचन कहती है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि शरीर की लालसाओं को मारोगे और शरीर की लालसाओं को बलिदान चढ़ा दोगे, उसको पूरा नहीं होने दोगे, बल्कि आत्मिक अभिलाषाओं को पूरा होने दोगे, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वचन कहती है इस संसार के सदृश्य मत बनो, क्योंकि संसार के लोग क्या करते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। इसलिए कहता है तुम संसार के लोगों के समान मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहता है जैसे तुम्हारा मन नया हुआ है, तुमने प्रभु को पाया, यीशु को पाया, तो तुम्हारा मन नया हुआ, तुम्हें नया मन मिला,
तो तुम अपने नए मन को हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलना चाहिए। कहता है तुम्हारा मन नया हुआ है तो तुम अपने चाल चलन, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को भी बदलो। जैसे तुमने बुरे मन को अपने अंदर से निकालकर नए मन को धारण किए हो, वैसे बुरी चाल चलन को निकालकर अच्छी चाल चलन, बुरे स्वभाव को निकालकर अच्छे स्वभाव धारण करो। कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहता है अपने अनुभव से इस बात को मालूम करते रहो कि परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा क्या है, यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है। तुम उसके इच्छा को, उस इच्छा को जो परमेश्वर पसंद करता है, कहता वह भली इच्छा जिसको परमेश्वर पसंद करता है, जो इच्छा परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध है, पवित्र है। कहता है उस इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करो कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है। पूरे जीवन आप परमेश्वर की इच्छा को जानो कि वह परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, तुम्हारे जीवन से उसकी क्या क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, वह कैसा बनाना चाहता है, किस मार्ग पे ले जाना चाहता है। कहता है अपने अनुभव से मालूम करो और वैसा अपने आप को बनाओ, अपने शरीर के सारी अभिलाषाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में पूरा करो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा, आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको आशीषों में भर के रखेगा और आप पूरे दिन परमेश्वर की आशीष में सुरक्षित बने रहोगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आँखों की परेशानियाँ तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, रीढ़ के हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ
जिनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पर हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पर आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए, पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर, तुझे जाने और तुझे जाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर, इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर, इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे, तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो